श्रोताओं नमस्कार, सहकार रेडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जम्मू और उन्नाव में बलात्कार की घटनाओं ने एक बार फिर देश की जनता को बड़े पैमाने पर झकझोरा और जगाया है। हालांकि दुर्भाग्य ये है कि ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, लेकिन इस देश का मीडिया और न्याय व्यवस्था कभी मामले को दबा देती है, कभी भुक्तभोगी को ही चरित्रहीन या दोषी करार दे दिया जाता है, कभी उसे सांप्रदायिक रंग देकर गलत को सही ठहराने की कोशिश होती है। ताजा घटनाओं में भी ये सारी कोशिशें जारी हैं, लेकिन देश की जनता को बड़े पैमाने पर न्याय के पक्ष में खड़ा देखकर थोड़ी तसल्ली जरूर मिलती है। और ऐसा लगता है कि तमाम तरह के हमलों के बावजूद अभी भी इंसानियत को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सका है। मित्रों, न्याय के पक्ष में हमारा संघर्ष तो जारी ही रहेगा, न्याय और अन्याय के बीच हार जीत भी चलती रहेगी, लेकिन ऐसी तमाम घटनाएं हमें कुछ सीखें अवश्य दे जाती हैं। वो ये कि अब समय बहुत कम बचा है। अगर समाज को गर्त में जाने से बचाना चाहते हैं, तो हम आज से और अभी से ऐसी हर संभव कोशिश करें जिससे इंसानियत का बीज फले फूले बढ़े और हैवानियत व दुष्प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने वाली शक्तियों का नाश हो। आइए कला, साहित्य, संगीत, ज्ञान विज्ञान के माध्यम से लोगों को जीवन का असली मकसद बताएं, उन्हें कूप मंडूकता, पाखंड, झूठ, फरेब से बाहर आने का रास्ता बताएं, उन्हें तार्किक और वैज्ञानिक रूप से सोचना सिखाएं। इन तमाम बुराइयों की जड़ इस पूंजीवादी व्यवस्था की अनगिनत काली करतूतों की असलियत आम जनता तक ले जाएं। कई प्रगतिकामी लोगों और संगठनों की तरह सहकार रेडियो भी इसी काम में लगा हुआ है और आपका भी आह्वान करता है। विचार आपको करना है कि आप अन्याय के विरुद्ध खड़े होंगे या लुटेरों बलात्कारियों को प्रोत्साहित करते हुए अपनी मौन सहमति देंगे। सहकार रेडियो लगातार इस कोशिश में रहता है कि प्रगतिशील और इंसानियत को जगाने झकझोरने वाली सामग्री ऑडियो फॉर्म में आप सभी श्रोताओं तक पहुंचे। इसी क्रम में ताजा घटनाक्रम एवं संबंधित विषयों जैसे प्रेम व महिलाओं पर आधारित कविताओं की एक पूरी श्रृंखला हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। आज जो पहली कविता हमने ली है, उसे पार्वती नायर ने अंग्रेजी में लिखा है और उसका अनुवाद किया है हृदयेश जोशी ने। इसे आवाज दी है साथी शिल्पी ने। और हाँ, अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे अन्य लोगों को भी शेयर करना न भूलें और इस श्रृंखला की अगली कविताओं को सुनना भी न भूलें। घोड़े घर पहुंच गए होंगे, मैंने उन्हें रवाना कर दिया था। उन्होंने घर का रास्ता ढूंढ लिया ना माँ? लेकिन मैं खुद ना आ सकी। तुम अक्सर मुझे कहा करती, असीफा इतना तेज ना दौड़ा कर। तुम सोचती मैं हिरन जैसी हूँ माँ, लेकिन तब मेरे पैर जवाब दे गए। फिर भी मैंने घोड़ों को घर भेज दिया था माँ। माँ वो अजीब से दिखते थे, ना जानवर ना इंसान जैसे। उनके पास कलेजा नहीं था माँ, लेकिन उनके सींग या पंख भी नहीं थे। उनके पास खूनी पंजे भी तो नहीं थे माँ, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सताया। मेरे आसपास फूल, पत्तियां, तितलियां, जिन्हें मैं अपना दोस्त समझती थी, सब चुप बैठी रही माँ। शायद उनके वश में कुछ नहीं था। मैंने घोड़ों को घर भेज दिया, पर बाबा मुझे ढूंढते हुए आए थे माँ। उनसे कहना मैंने उनकी आवाज सुनी थी, लेकिन मैं अर्ध मूर्छा में थी। बाबा मेरा नाम पुकार रहे थे, लेकिन मुझ में इतनी शक्ति नहीं थी।
मैंने उन्हें बार बार अपना नाम पुकारते सुना, लेकिन मैं सो गई थी माँ। अब मैं सुकून से हूँ माँ, तुम मेरी फिक्र मत करना, यहाँ जन्नत में मुझे कोई कष्ट नहीं है, बहता खून सूख गया है, मेरे घाव भरने लगे हैं, वो फूल पत्तियां तितलियां जो तब चुप रहे उस हरे बुगियाल के साथ यहाँ आ गए हैं, जिसमें मैं खेला करती थी, लेकिन वो लोग अब भी वहां है माँ। मुझे डर लगता है ये सोचकर, उनकी बातों का जरा भी भरोसा मत करना तुम, और एक आखिरी बात कहीं भूल न जाऊं तुम्हें बताना, मैं वहां एक मंदिर भी था माँ, जहां एक देवी रहती है, हाँ वही ये सब हुआ उसके सामने। उस देवी को शुक्रिया कहना माँ, उसने घोड़ों को घर पहुंचने में मदद की। साथियों आप सुन रहे थे सहकार रेडियो पर पार्वती नायर द्वारा लिखित और हृदयेश जोशी द्वारा अनुदित कविता, जो कि हाल ही की बलात्कार की घटना पर आधारित थी। इसे आवाज दी थी साथी शिल्पी ने। अगर आप सहकार रेडियो की सामग्री सीधे अपने व्हाट्सएप अकाउंट पर पाना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप अकाउंट नंबर 9617226783 पर अपना संक्षिप्त पता और नाम लिखकर भेजें। यदि आप सहकार रेडियो के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे ब्लॉग sahakarradio.wordpress.com पर जाएं, तो जल्द ही इस श्रृंखला की अगली कविता के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति अपने दोस्त पवन को। नमस्कार।